किसान साथियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा नासिक मंडी के भाव के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, कल से लेकर आज तक जो नासिक मंडी का रेट है वो कुछ ऊपर तक गया, कुछ तेजी उसमें देखने को मिली है। दोस्तों आज है मंडी भाव 20 नवंबर 2020। जो दोस्तों 20 नवंबर 2020 को क्या रेट देखने को मिला, क्या दोस्तों आज प्याज में जोरदार तेजी के साथ जो बाजार है वो खुला हुआ है नासिक मंडी का या नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको नासिक मंडी से लेकर हर एक अपडेट, हर एक जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों जो जानकारी बताऊंगा वो बिल्कुल सच और लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम आपको मंडी के प्याज में सारी जानकारी के साथ प्याज बताएंगे। में कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है आज, और प्याज के दाम में तेजी का रुख जारी है। महाराष्ट्र के लासलगांव स्थित प्याज जो सबसे टॉप क्वालिटी है नासिक मंडी में, उसका आज क्या रेट लगा हुआ देखने को जरूर मिली है। देश भर के ज्यादातर बाजारों में तेजी देखने को मिलती है। जब लासलगांव में तेजी आती है किसान भाइयों, मीडियम क्वालिटी का जो माल होता है वो 57 रुपए से लेकर 65 रुपए तक के भाव में बिक चुका है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर प्याज होता है नासिक मंडी का, जो गोल्टा प्याज होता है दोस्तों वो 49 रुपए से लेकर 5600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक चुका है। तो माल बात करते हैं जो हल्का माल होता है प्रति क्विंटल के हिसाब से, और सुपर माल की बात करें किसान भाइयों तो सुपर माल बिका है 5400 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल तक। बात करते हैं जो मीडियम माल होता है 4700 से 5300 रुपए तक, और गोल्टा माल 3800 से 4600 रुपए तक। दोस्तों हम आपको गोल्टी माल की बात करें तो 3000 से 3700 रुपए तक, और हल्का माल बिका है आज 1200 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो किसान भाई ये थे लासलगांव मंडी के प्याज भाव। आपको पता है नासिक मंडी अपने इंडिया की सबसे बड़ी मंडी बात करें आज किसान भाइयों, तो नासिक मंडी अपने 200 रुपए की तेजी देखने को मिली है। ये सबसे बड़ी मंडी प्याज की मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें आज सबसे टॉप, आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है नासिक मंडी में। दोस्तों ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आने वाले दिनों में दोस्तों और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी प्याज को लेकर। ये बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट सभी किसान भाइयों के लिए।